हे गाइस, मैं हूँ श्वेता और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी के सेकंड प्रैक्टिस सेट को, जो कि आपके आने वाले किसी भी वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इसमें भी 30 क्वेश्चंस होंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि संकर शब्द किसे कहते हैं। ऑप्शन है ग्रामीण भाषा का शब्द, संस्कृत भाषा का शब्द, ग्रामीण व संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्द, या दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द। क्या होता है संकर शब्द? तो संकर शब्द की बात करें तो वे शब्द जो दो भाषा के शब्दों को मिलाकर बनाए जाते हैं, वो कहते हैं संकर शब्द। ठीक है, जैसे कि आपका मान लीजिए रेलगाड़ी है, तो रेलगाड़ी में जो रेल है वो तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, गाड़ी आपका हिंदी भाषा का शब्द है, दोनों को मिला दिया गया है तो क्या बन गया है? संकर शब्द। यानी कि रेलगाड़ी जो है वो क्या है? संकर शब्द है। ऐसे ही एक एग्जाम्पल है जैसे कि वर्षगांठ। वर्षगांठ में जो वर्ष है वो क्या है? संस्कृत भाषा का शब्द है, गांठ क्या है? हिंदी भाषा का शब्द है, दोनों मिला के बन गया है वर्षगांठ, यानी कि संकर शब्द। तो संकर शब्द किसे कहते हैं? दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना जो शब्द होता है उसे हम संकर शब्द कहते हैं। यानी कि आंसर जो डी होगा वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूत्र शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? इय का होगा, ई का होगा, इक का होगा कि आ का होगा? तो आपको सूत्र शब्द में ऐसा प्रत्यय लगाना है कि वो स्त्रीवाचक बन जाए। तो अगर हम सूत्र में आ लगा दें तो सुता हो जाएगा, और सुता क्या है? एक स्त्रीवाचक है। कैसे? कि क्योंकि सुता जो होता है वो लड़की का पर्यायवाची होता है। लड़की का पर्यायवाची सुता होता है, तन्या होता है, तनुजा, बेटी। ठीक है, तो सुता क्या हो जाएगा? हमारा स्त्रीवाचक हो गया, और उसमें हम प्रत्यय लगा दिए, क्या? आ लगा दिए। और आपको प्रत्यय पता ही है कि शब्दों के पीछे लग के उसके अर्थों को वो बदल देते हैं, तो उसी को कहते हैं प्रत्यय। तो आंसर जो आपका डी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। अधिक समीप होना, कष्ट देना, अधिक प्रिय होना, या पालतू होना। तो नाक का बाल होना जो मुहावरे का अर्थ होता है वो होता है कष्ट देना, यानी कि ऑप्शन जो बी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन नहीं है? ऑप्शन है घोड़ा, घोटक, कटक, या है। तो आपको नहीं बताना है। घोड़ा तो होता है, घोटक भी होता है, हय भी होता है, लेकिन कटक जो अश्व का पर्यायवाची है वो नहीं है। तो आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? अस्थिर, अडिग, यायावर, या गतिशील। तो जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है उसे हम कहते हैं यायावर, यानी कि आंसर जो सी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये पोयम अगर आपने पढ़ा तो आपने सुना होगा, ये काफ़ी बचपन में हम लोग की बुक्स वगैरह में ये पोयम काफ़ी रहती थी, बचपन में हमने काफ़ी पढ़ा है इसको। तो ये किसने लिखा है, इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान हैं, सोहनलाल द्विवेदी हैं, या कौन है? तो इसके जो रचयिता हैं वो है बी, यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि सामास का अर्थ क्या है? समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप होता है, विच्छेद होता है, विस्तार होता है, या नवीन अर्थ होता है? तो समास का जो अर्थ होता है वो होता है संक्षेप, यानी कि आंसर जो ए होगा वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भाषा के शब्द में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है? एक तरह का पेडागॉजी का क्वेश्चन है, समझ लीजिए। तो आपको बताना है भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान, बच्चों को व्यस्त रखना, बच्चों को श्रेणीवार विभक्त करना, या बच्चों की त्रुटियों को केवल सूची बनाना। तो भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान करना ही क्या होता है? उपचारात्मक शिक्षण होता है। बाकी आप ऑप्शन पढ़िए तो खुद ही आपको लगेगा कि ये नेगेटिव है, ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। जैसे कि बच्चों को व्यस्त रखना, नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, बच्चों को श्रेणीवार विभक्त करना ये हम भी नहीं कर सकते हैं, और बच्चों की त्रुटियों की केवल सूची अगर हम बनाएं तो ये भी गलत होगा। तो आंसर जो होगा वो होगा भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान ही होता है उपचारात्मक शिक्षण। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं आता है? ऑप्शन है सुनना, बोलना, हंसना, या लिखना।
तो इसमें कौन नहीं आएगा भाषाई कौशल में? तो अगर आपने पढ़ा होगा पेडोगॉगी हिंदी का तो आप आसानी से कर जाएंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप याद कर लीजिए सुबो पल करके, ठीक है? सुबो पल कहीं लिख लीजिए, वही भाषाई कौशल है। मतलब सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये भाषाई कौशल के अंतर्गत आता है। लेकिन आपके ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? हंसना, तो हंसना नहीं आता है। क्या क्या आता है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सुबोपल रट लीजिए, माइंड में सेट कर लीजिए। तो ये अक्सर पूछा भी जाता है तो आपके लिए आसान रहेगा। तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये भाषाई कौशल के अंतर्गत आता है। तो आंसर जो नहीं होगा वो क्या हो जाएगा? हंसना। आंसर सी जो होगा वो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट होगा, यानी कि नहीं पूछा है तो हंसना क्या है? भाषाई कौशल के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कि हिंदी दिवस मनाया जाता है। काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है अक्सर। तो हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है, यानी कि 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि काव्य शिक्षण का उद्देश्य है। काव्य मतलब होता है पोयम, ठीक है? तो पोयम पढ़ाने का क्या उद्देश्य होना चाहिए? भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों से परिचित कराना? नहीं करा सकते हम, जरूरी नहीं कि हम विराम चिन्ह केवल परिचित कराएं पोयम में। व्याकरणिक नियमों को जानकारी देना, व्याकरणिक नियमों की जानकारी जरूरी नहीं है कि देना। संगीत कला में निपुण बनाना, तो पोयम सिखाने का मतलब नहीं है कि हम उन्हें संगीत कला में ही निपुण बनाएं। रसानुभूति और आनंदभूति कराना, ये करेक्ट होगा, यानी कि हम उन्हें क्या करेंगे, वो इंजॉय कर सके, उस चीज़ का आनंद ले सके, रसानुभूति कर सके, आनंदभूति कर सके, ठीक है? तो आंसर जो डी होगा वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कि निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है राम जाता है, सीताफल खाती है, मेरी गाय काली है, या जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक होता है। विशेषण जानते हैं कि जो किसी शब्दों की विशेषता बताएं तो उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है? राम जाता है, तो नहीं, ये तो विशेषण नहीं हुआ, इसमें कुछ विशेषण नहीं दिख रहा है। सीताफल खाती है, इसमें भी कोई विशेषण नहीं है। मेरी गाय काली है, काली क्या है? एक तरह की विशेषता बता रही है। किसकी विशेषता बता रही है? गाय की विशेषता क्या, कि गाय काली है। तो आंसर जो आपका सी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाटक शिक्षण में कक्षा विनय प्रणाली के प्रयोग से क्या होगा? ऑप्शन है शिक्षक एवं बच्चों का समय व्यर्थ होता है, पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है, बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, या इनमें से कोई नहीं। यानी कि अगर कक्षा में अगर कोई टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, अगर उस पर नाटक करवा दिया जा रहा है, प्ले करवा दिया जा रहा है, तो उससे क्या बच्चों और शिक्षक का टाइम वेस्ट होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर हम बच्चों को अगर वो नाटक करा रहे हैं तो उसमें अगर हम पात्र यानी कि करेक्टर अगर दे दें, पर्टिकुलर करेक्टर में उनको रख दिया जाए, जैसे कि अगर मान लीजिए रामायण है, ठीक है, रामायण के बारे में बताया जा रहा है बच्चों को, तो रामायण में राम सीता का अगर करेक्टर दे के अगर उन्हें अभिनय कराया जाए तो वो आसानी से उस चीज को सीख लेंगे। तो आंसर जो बी होगा वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये पात्र अनुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में क्या आती है? तेजी आती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कि निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। अधिकरण कारक किस में प्रयोग हुआ है? कारक आपने पढ़ा होगा, तो ए जो है वाहनारूढ़, सत्ताधीश, गंगा जल, या रेखा चित्र। तो ऑप्शन जो ए है यानी कि वाहनारूढ़, इसमें अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। अधिकरण कारक होता है कि जिस शब्द में क्या क्रिया के आधार का बोध हो उसको कहते हैं अधिकरण कारक। तो आपका जो ए होगा वो करेक्ट हो जाएगा। और अधिकरण कारक में जो विभक्ति का यूज होता है वो होता है मे होता है पर होता है, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं, किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर आपने रस पढ़ा होगा तो काफी फेमस है, श्रृंगार रस को हम क्या कहते हैं? रस राज कहा जाता है। तो आंसर जो होगा वो ए क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? तो ये हिंदी साहित्य से दिया गया है। तो घनानंद को रीति काल का जो कवि माना जाता है, ये क्या है? ऑप्शन जो सी होगा वो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अब ये काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ये जो वर्तनी वाला होता है, तो आपको बताना है कि क्या होगा सही वर्तनी। आशीर्वाद होगा, आशीर्वाद होगा, आशीर्वाद होगा, ये सभी अगर हम प्रोनाउंस करें तो एक ही निकल रहा है। तो लिखने में कौन सा सही होगा? तो आंसर जो होगा वो सी क्या होगा? करेक्ट होगा, आशीर्वाद ऐसे लिखते हैं। नेक्स्ट है कि
को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? तो को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? कर्म का, करण का, संप्रदान का या अधिकरण कारक का? तो कर्ता ने कर्म को, तो क्या होगा? को किस में आ रहा है? कर्म, ठीक है? तो ये जो होगा वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को, करण से आपने रटा होगा कारक को, तो आसान रहता है ये सब। तो ये हमने 18 क्वेश्चन को देख लिया। नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम क्या है? किस उपनाम से जाने जाते थे वो? ऑप्शन है हरिऔध, निराला, अज्ञेय या गुलेरी। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का जो उपनाम था वो था अज्ञेय, यानी कि आंसर जो सी होगा वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। हरिऔध तो अयोध्या सिंह का जो उपनाम था और निराला सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम था। नेक्स्ट है कि बिहारी के प्रसिद्ध क्या थे? कवित थे, सवैया थे, पद थे या दोहा थे? तो बिहारी के प्रसिद्ध दोहे थे, उनका आपने सुना होगा बिहारी सतसई, वो भी एक दोहा संग्रह ही है। नेक्स्ट है कि पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? पुनः धन जन्म है, पुनर्धन जन्म है, पुनः जन्म है या पुनः धन आजन्म है? तो पुनर्जन्म का जो सही संधि विच्छेद होगा वो क्या हो जाएगा? पुनः धन जन्म, यानी कि आंसर जो ए हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शोक रस किस रस का अस्थाई भाव है? शांत का है, करुण का है, हास्य का है या वीर का है? तो शोक रस करुण रस का अस्थाई भाव है, यानी कि आंसर जो बी होगा वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 23rd जो क्वेश्चन है वो है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? गार्सा दत्तासी, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन, सुनीति कुमार चटर्जी या धीरेन्द्र वर्मा? तो मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा गया है जॉर्ज अब्राहम गियर्सन द्वारा। तो आंसर जो बी होगा वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? उसने मुझे पास आने के लिए कहा, उसने मुझसे पास आने को कहा, उसने मुझे पास आने को कहा या उसने मेरे को पास आने के लिए कहा? तो कौन सा जो वाक्य है वो शुद्ध होगा, आप पढ़िए और बताइए। तो जो आंसर ए होगा, उसने मुझे पास आने के लिए कहा, ये बिल्कुल शुद्ध है। तो करेक्ट क्या होगा? आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मूक होई वाचाल, पगु चढ़ही गिरिबर गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन। तो ये आपको छंद दिया गया है, पूछा जा रहा है कि कौन सा छंद है, सोरठा है, चौपाई है, दोहा है या बरवे है। तो इस छंद की बात करें तो ये जो छंद होगा वो होगा सोरठा। सोरठा आपको पता ही है कि दोहा का जस्ट क्या होता है? विपरीत होता है, यानी कि उसके विषम चरण जो होते हैं, यानी कि प्रथम और तृतीय में क्या होगा? 11-11 मात्राएं होंगी, और जो सम चरण होंगे वो क्या होंगे? उसमें 13 मात्राएं होंगी। द्वितीय और चतुर्थ में क्या होंगे? 13 मात्राएं होंगी, और ये जस्ट दोहा का उल्टा होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? सोरठा। नेक्स्ट है कि कौन सी वर्तनी शुद्ध है? तो आप वर्तनी को देखिए, विशेष है, तो विशेष कैसा लिखा जाएगा? तो आंसर जो होगा वो क्या होगा? पहला होगा, ए जो होगा विशेष, ऐसे ही लिखते हैं विशेष। नेक्स्ट है कि मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा है, ऐसी कौन सी रचना है जो उनके द्वारा नहीं लिखी गई है? साकेत, कामायनी, जयदत्त व्रत या यशोधरा? तो साकेत उन्होंने लिखा है, जयदत्त व्रत भी लिखा है, यशोधरा भी लिखा है, लेकिन कामायनी जो रचना है वो जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो आंसर जो बी होगा वो करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है कि चौराहा शब्द में कौन सा समास है? द्विगु है, द्वंद है, तत्पुरुष है या बहुव्रीहि है? तो चौराहा शब्द में कौन सा समास होगा? द्विगु होगा, क्योंकि चौराहा यानी कि चार राहों का समूह संख्यावाचक है, तो द्विगु होगा। तो आंसर जो ए होगा वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 29 क्वेश्चन है कि निम्न में किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? आपको बताना है कि किस में उपसर्ग लगा हुआ है, यानी कि आगे जो शब्दों के लगता है वो उपसर्ग होता है, पीछे जो लगता है वो क्या होता है? प्रत्यय होता है। उपसर्ग बताना है, लिखाई, हानिकारक, उपकार या अपनापन? क्या होगा? उपकार होगा, सी जो होगा वो क्या होगा? करेक्ट होगा। तो उपकार में क्या लगा है? उप लगा है, उप क्या है? एक तरह का उपसर्ग है। नेक्स्ट है कि औंधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है? औंधी खोपड़ी मतलब क्या होता है? मूर्ख होना होता है, कुछ निर्णय न कर पाना होता है, किंकिरता विमूढ़ होना होता है या झगड़ालू होना होता है। औंधी खोपड़ी का जो अर्थ होता है वो होता है मूर्ख होना, यानी कि आंसर जो ए होगा वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने 30 क्वेश्चंस देखे जो कि आपके हिंदी हिंदी साहित्य और हिंदी जो ग्रामर है उससे रिलेटेड थे।
तो आप भी इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए और अपने एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक करिए। थैंक यू सो मच।